जेनिकुलर आर्टरी एम्बुलेशन प्रोसेस शुरू करने से पहले एक बार पेशेंट को क्या कंप्लेन है ये उनके शब्द में ही सुन लेते हैं। तो आज हम ये घुटनों के दर्द के लिए जेनिकुलर आर्टरी एम्बुलेशन करने जा रहे हैं। तो आपको ये घुटनों का दर्द कब से है? लगभग ये मार्च 20 से चालू हुआ है मुझे, लॉकडाउन के बाद। उसके बाद चालू हुआ। सुबह मैं उठती हूँ तब मुझे बहुत स्टिफनेस लगती है और तभी मुझे चलना भी, टॉयलेट तक भी मैं नहीं जा पाती हूँ, और उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ रहती है। उसके बाद गर्म पानी से नहाते हैं, कुछ करते हैं तो थोड़ी देर थोड़ा आराम मिलता है, लेकिन उसके बाद फिर चालू हो जाता है। तो करीबन आपको 9 से 10 महीने से ही आपको घुटने का दर्द है? हाँ। और जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तब मॉर्निंग स्टिफनेस रहती है? हाँ, बहुत ज़्यादा रहती है। थोड़ा थोड़ा कुछ काम करते हैं तो घुटनों में थोड़ा आराम मिलता है, और फिर से आप खड़े रहते हैं तो फिर से दर्द शुरू हो जाता है। हाँ, फिर मुझे अगर रसोई में भी मुझे चेयर लेके बैठना पड़ता है, चेयर लेके रहना पड़ता है, कि कभी भी वो दर्द चालू हो सकता है। तो फिर मेरे पाँव पे मेरा जो बैलेंस रहना चाहिए वो नहीं रहता है मुझे। और आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं उतरते हैं तब तो हर दर्द होता है? हाँ, चढ़ती हूँ तब ज़्यादा दर्द होता है, उतरती हूँ तब कम दर्द रहता है। बस तो ये उनको घुटनों का दर्द कंटिन्यूस है और इसके लिए हम ये जेनिकुलर आर्टरी एम्बुलेशन करने वाले हैं। विभूतिबेन, कल हमने आपका ये दोनों पाँव में जो घुटनों में दर्द था उसके लिए जेनिकुलर आर्टरी एम्बुलेशन किया है। ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है और अभी करीबन 12 घंटे हुए हैं। तो 12 घंटे बाद आपको क्या महसूस हो रहा है, आपका दर्द कितना कम हुआ है वो हम? मेरे लेफ्ट पाँव में बहुत दर्द था, वो अभी एकदम कम हो गया। पता भी नहीं चलता कि मुझे कल तक ऐसा था। मेरे राइट पाँव में थोड़ा सा दर्द है, लेकिन वो मेरा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। और मैं पहले तो जो सरफेस अगर सीधी सी होती है तो मेरे कंफर्टेबल की सरफेस से ही मैं खड़ी हो सकती हूँ। सोफ़ा है या चेयर है उससे ऊपर मैं नहीं खड़ी रह सकती थी, लेकिन यहाँ मैं सोफे से भी अपने आप खड़ी हो सकती हूँ। थोड़ा चलने फिरने में भी मुझे खुद को अच्छा लगता है कि नहीं, कम दुखता है, दुखता नहीं है। ये लेफ्ट में तो दुखता ही नहीं है, राइट में मुझे थोड़ा डर लगता है कि मैं गिर जाऊंगी, क्योंकि बहुत महीनों से मैं ऐसे चलती हूँ, इसीलिए बाकी कोई तकलीफ नहीं है। सो विभूतिबेन को जैसे दोनों घुटनों के दर्द में 12 घंटे में इतना फ़र्क हो गया है, ये जेनिकुलर आर्टरी एम्बुलेशन ये बहुत ही एडवांस टेक्निक है। उसके अंदर हम देखते हैं कि कहाँ पे पेन होता है और वो हार्ट में जैसे एंजियोग्राफी करते हैं वैसे ही घुटनों की एंजियोग्राफी करते हैं। और एक ये पूरी प्रोसीजर सिर्फ सुई की मदद से होती है, कोई कट कोई सूचर नहीं आता है। और एंजियोग्राफी करके हम देखते हैं कि कहाँ पे ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से नियोवास्कुलेशन हुआ है, और वहाँ पे छोटे पार्टिकल्स डाल के उसको एम्बोलाइज करते हैं, जिसकी वजह से आज इनका दर्द सिर्फ 12 घंटे में इतना फ़र्क हुआ है। और ये बहुत ही एडवांस टेक्निक है। वेस्टर्न रीजन में यूएसए, जापान, यूरोप में काफ़ी सालों से ये वहाँ पे ये होती रही है। इंडिया में हमने ये शुरू किए और उससे कई सारे पेशेंट्स को काफ़ी फ़ायदा हुआ है।